कटनी जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में मिलावटखोरों के ऊपर निरंतर कार्रवाई जारी है। उसी क्रम में आज थाना कोतवाली अंतर्गत अभिषेक, हर्ष गुप्ता, शिबू सराव की विजय जैन की दुकान में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस के साथ दबिश दी, जहां खोवे की जांच उपरांत सैंपल लिए गए और सैंपल को लैब भेजा गया। खाद्य विभाग के अधिकारी ने दुकान में गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही खोवे की जांच के उपरांत अगर खोवे के सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोगों ने दुकानों की जांच की, जिसमें गंदगी पाई गई है और उसमें अभिषेक गुप्ता, शिव सराबगी और विजय की दुकानों की जांच की गई और वहां रखे हुए शंका के आधार पर खोवे का नमूना लिया गया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और 269/272 में इनके खिलाफ FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कुछ दुकानों में खोवा जो है अपमिश्रण, मतलब मिलावटी खोवा आ रहा है और उन दुकानों में बड़ी गंदगी पाई गई। हमने खाद्य विभाग के अधिकारी श्री विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनके साथ जा करके अभिषेक उर्फ हर्ष गुप्ता, शिबू सरावगी और विजय जैन के यहाँ दुकानों में रेड किया, जहाँ पर गंदगी पाई गई और अपमिश्रित खोवा पाया गया, जिसके सैंपलिंग कराई गई है। जांच के उपरांत इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये खोवा मंडी जो है अपना। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।